हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुंधति रॉय से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। इससे पहली वीडियो में अरुंधति रॉय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो अपलोड की जा चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें प्रो सेक्शन में। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जो कि इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे उसके लिंक को। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल झिझक ना करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर विच नोवेल डिड अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज़। वो कौन सी नोवेल है जिसके लिए इन्होंने बुकर प्राइज़ विन किया था, जीता था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द अल्जेब्रा ऑफ इन्फाइनाइट जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्क है, मैंने आपको जब फैक्ट्स पढ़ाए थे उस टाइम पर भी बताया था, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें बुकर प्राइज़ वाला। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है जो कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इन व्हाट ईयर डिड अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज, किस साल इनको ये बुकर प्राइज मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए? ठीक है, किस साल मिला था? 2001 में, 1999 में, 1995 में, 1997 में। तो राइट आंसर इसका है 1997, जो कि आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर सॉरी क्वेश्चन है, इसको आप इस डेट को आप जरूर याद रखें 1997। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉनर या जॉनर इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है किस जॉनर में लिखी हुई है? नॉन फिक्शन में, हिस्टोरिकल फिक्शन में, साइंस फिक्शन में, या लिटरेरी फिक्शन में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लिटरेरी फिक्शन इसका राइट आंसर है। आप इसको याद रखिएगा, इसका जो जॉनर था वो लिटरेरी फिक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of these activities is Arundhati Roy notably involved in? यानी वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें वो notably involved थी? Political activism में, stock trading में, chiffering में, या फिर fashion designing में? तो इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें notably involved थी अरुंधति रॉय? द राइट आंसर इज पॉलिटिकल एक्टिविज्म में। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, तो ये आंसर आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके बीच। व्हाट इज द थीम ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का थीम क्या था? कॉरपोरेट एस्पाइनेज, आप इसको करेक्टली पढ़ लीजिएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रेवल, या फैमिली डायनेमिक्स? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो थीम था वो था फैमिली डायनेमिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड राइटिंग व्हाट अदर कॉज इज रॉय नोन फॉर? राइटिंग के अलावा और कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जानी जाती हैं कौन अरुंधति रॉय? स्नोबोर्डिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए? तो राइट आंसर है ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वर्क किए हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी मानव अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत कुछ आवाज़ उठाई है, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है इनकी राइटिंग के अलावा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयज राइटिंग ऑफन क्रिटिसाइज विच ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? जो इसकी राइटिंग है उसको कौन सी ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है? द वर्ल्ड बैंक द्वारा, WTO द्वारा, फीफा द्वारा, या फिर नाटो द्वारा? द राइट आंसर इज द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, एक अलग सा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको आपको बताया। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। वेयर वॉज अरुंधति रॉय बॉर्न? कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? दिल्ली, सिलोंग, मुंबई, या कोलकाता? तो देखिए यहाँ पर आप लोग को इसका आंसर तो पता होगा कि सिलोंग में जो है इनका बर्थ हुआ था, तो राइट आंसर तो इसका बी है, लेकिन आप मुझे डेट बताएंगे इनकी, DOB आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कितने सारे लोग जो है वीडियोज़ को रेगुलरली देख रहे हैं और जो इसका राइट आंसर जानते हैं। ठीक है, DOB आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे अरुंधति रॉय कब इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, जगह मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में बता दी, इससे एक चीज़ ये होगी कि आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आंसर याद भी हो जाएगा। व्हाट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ रॉयस मेन कैरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? तो जो इनका वर्क है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसमें जो इनका मेन कैरेक्टर है उसका क्या ऑक्यूपेशन था, यानी क्या व्यवसाय था? टीचर, आर्टिस्ट,
या फिर ग्रेवयार्ड कीपर या फिर डिटेक्टिव. द राइट आंसर इज ग्रेवयार्ड कीपर्स. तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, सी ऑप्शन. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में जो इनका मेन कैरेक्टर है उसका ऑक्यूपेशन था ग्रेवयार्ड कीपर्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय स्टडीड आर्ट आर्किटेक्चर एट विच इंस्टीट्यूट. यानी वो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ से इन्होंने आर्किटेक्चर की जो है पढ़ाई की थी. अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या फिर NIT, या फिर IIT दिल्ली. तो इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली. IIT दिल्ली से इन्होंने जो है आर्किटेक्चर की जो है स्टडी की थी. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कलेक्शन ऑफ एसे बाय अरुंधति रॉय. कलेक्शन ऑफ एसे कौन सा है जो अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है. वॉर टॉक, द डायलॉग्स ऑफ वॉर, वॉर एंड पीस, टॉक्स ऑफ वॉर. तो यहाँ पर फोर ऑप्शंस हैं. द राइट आंसर इज वॉर टॉक. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कलेक्शन ऑफ एसे बाय अरुंधति रॉय, नाम है वॉर टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द डिड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्टली टेक प्लेस. तो किस सिटी में जो है इसके इसकी सेटिंग है. कहीं ना कहीं सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. चेन्नई में, ठीक है, M&M में, न्यू दिल्ली में, या फिर बेंगलुरु में. तो M&M जो यहाँ पर प्लेस दिया है, यहाँ पर इसकी सेटिंग है मोस्टली. तो आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, हो सकता है मैं इसको करेक्टली प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड द राइट आंसर एंड यू कैन लर्न इट. वट लिटरेरी स्टाइल इज रॉय नोन फॉर यूजिंग. यानी वो कौन से लिटरेरी स्टाइल के लिए जानी जाती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है. ब्लैंक वर्ड्स के लिए, फ्री वर्ड्स के लिए, हाइकू के लिए, या फिर नॉन लाइनर नैरेटिव के लिए. तो यहाँ पर फोर ऑप्शंस हैं. तो ये जो नोन है ये है नॉन लाइनर नैरेटिव के लिए. ठीक है, याद रखिएगा इनको. इनका जो लिटरेरी स्टाइल है वो नॉन लाइनर नैरेटिव के लिए जाना जाता है. इसको यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में. ये क्वेश्चन भी कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अचानक से, कि हु रॉट द बेनियन ट्री. बेनियन ट्री किसने लिखी, अरुंधति बसु ने, अरुंधति रॉय ने, अनीता देसाई ने, अमृता राव ने. तो इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय ने जो है द बेनियन ट्री लिखा था. मैंने इसको आपको फैक्ट्स बताते वक्त भी बताया था, तो मे बी आप सभी को ये याद भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय वॉज अवॉर्डेड प्राइज इन 1997. ये वैसे रिपीटेड है बट फिर भी आपको याद रहना चाहिए. ये क्वेश्चन की फॉर्मेट्स हैं कि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑरविल अवार्ड, या फिर बुकर प्राइज. तो 1997 में कौन सा अवार्ड इन्हें मिला था. तो ऊपर अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ही लिया है कि बुकर प्राइज इनको मिला था. किस वर्क के लिए मिला था ये भी मैं हमने ऊपर आपको बता दिया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज द सेकेंड नोबल ऑफ अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय का सेकेंड नोबल का नाम क्या है. द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द बनियन ट्री, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माई सेडिटियस हार्ट. तो इनमें से दूसरा नोबल जो है वो कौन सा है. तो याद रखिएगा कि उनका जो दूसरा नोबल है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. ठीक है, ये उनका सेकेंड नोबल है, याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय गॉट अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन 1989. तो इनको जो है अरुंधति रॉय ने जो अवार्ड पाया बेस्ट स्क्रीन प्ले का 1988 में, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया 1989 में. तो बुकर प्राइज, नेशनल फिल्म अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड, या फिर ऑरविल अवार्ड. तो नेशनल फिल्म अवार्ड उनको दिया गया था 1989 में. आप याद भी रख सकते हैं, नेशनल यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया और 19 है, नो नेशनल, या 89 के पीछे भी 9 आ रहा है, नेशनल. तो आप इससे इसको रिलेट करके याद रखिएगा कि नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इनको 1989 में मिला है. ठीक है, वो भी बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉन फिक्शन बुक वॉर वॉक. वॉर वॉक जो है किसने लिखी, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया. अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, अंतरा विश्वास, किरण बेदी. द राइट आंसर इज अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय ने जो है वॉर वॉक को लिखा है. अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में बात करी, तो इस आंसर को आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन हमारा, हु रॉट ब्रोकन रिपब्लिक. इंपॉर्टेंट वर्क है ब्रोकन रिपब्लिक. अरुंधति रॉय, अनुराधा रॉय,
तवलीन सिंह या विकास रॉय. राइट आंसर है अरुंधति रॉय ने लिखा था ब्रोकन रिपब्लिक. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम किसने लिखा था. यहाँ पर करण सिंह, गिराज किशोर, अरुंधति रॉय, विदिशा सिंह. द राइट आंसर इज अरुंधति रॉय. तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतने सारे हमारे पास क्वेश्चन थे अरुंधति रॉय से रिलेटेड, और आप सभी ने इस क्वेश्चन देख लिए होंगे. अच्छे क्वेश्चंस भी इनमें बहुत सारे थे जिनको आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को लगातार बनाते रहिएगा. और अब आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दीजिए, रिवीजन का दौर शुरू कर दीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और जो भी आपके अभी तक बनाए हुए नोट्स हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए. डे बाय डे आपका जो है रिपीटेशन का जो टाइम पीरियड है उन्हें बहुत सारे स्टेप्स में कीजिए. अगर एक राइटर को पढ़ रहे हैं तो कम्प्लीटली एक दिन में दो बार उसे ज़रूर पढ़िए, जिससे धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.